हाय एवरीवन मैं डॉक्टर कुमार राजीव कंसल्टेड कार्डियोलॉजिस्ट फोर्टी श्री हॉस्पिटल वाशी में काम करता हूँ आज हम लोग हार्ट अटैक के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमें ये सबसे पहले जान लेना है कि हार्ट अटैक एक बहुत ही सीवियर uh, बीमारी है जिसमें जान जाने के खतरे बहुत ज़्यादा रहते हैं इसमें अचानक ही हार्ट का ब्लड सप्लाई सडन कट ऑफ हो जाता है एंड देन पेशेंट्स को चेस्ट पेन ब्रेथलेसनेस ये सब सारे सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं कुछ कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसके रहने से हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इसलिए हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वो रिस्क फैक्टर क्या होते हैं इसमें हमारा है स्मोकिंग करना अल्कोहल लेना अपने आप का वज़न कंट्रोल में नहीं रहना फिजिकल इनएक्टिविटी स्ट्रेस ज़्यादा लेना और अगर हमारा डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है वो अगर कंट्रोल में नहीं रहता है तो ये सब टुगेदर जितने भी रिस्क फैक्टर हैं ये हमारे अंदर हार्ट अटैक आने के रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं इसलिए सभी लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब सारे चीज़ों से जितना हो सके बच सके स्मोकिंग नहीं करनी है अल्कोहल नहीं लेना है रेगुलर वॉकिंग एंड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें हमारा कुछ भी खर्च नहीं है बट वी हैव टू गिव टाइम ये बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और अगर हमें डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो इनके लिए रेगुलर टाइम पे मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है इसे कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है और जिन लोगों को पहले भी अगर हार्ट अटैक आ चुका है या एनजियोप्लास्टी या बाईपास जैसे ट्रीटमेंट हो चुके हैं उन लोगों के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने मेडिसिनस को रेगुलर लें और रेगुलर चेकअप करें मैंने ए टाइम ऐसा देखा गया है कि जिनको ये बीमारियाँ हो जाती हैं वो अपने मेडिसिन रेगुलर नहीं लेते हैं और उनमें सेकेंड अटैक या थर्ड अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए रिस्क फैक्टर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसन्स लेना बहुत जरूरी है अपने आप को इस जानलेवा बीमारी से बचा के रखना बहुत जरूरी है